5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश सागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। पहली बार वीवीपैट का उपयोग होगा लोकसभा उपचुनाव में। मतदाता खुद के वोट का कर सकेंगे वेरिफिकेशन। प्रशासन जुटा चुनाव की तैयारियों में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, एक शिक्षिका ने लगाया आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। सुभाष उद्यान बनेगा राजस्थान का बेहतरीन पार्क। 10 करोड़ की लागत से चल रहे हैं कई काम। सुभाष पार्क में घूमने की राशि भी लगेगी। धूमधाम से निकलेगी अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा। 16 से 23 सितंबर तक मनाया जाएगा अग्रसेन महोत्सव। कई कार्यक्रम में लेगा अग्रवाल समाज भाग। हिंदी जैसा हाल रहा यूनिवर्सिटी में हुई परिचर्चा का। परिचर्चा में नजर आए केवल 8 विद्यार्थी। पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। चांदी चोरी के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। गंज थाना क्षेत्र में हुई थी चांदी की चोरी। चांदी आभूषण बनाने वाला ही निकला चोर। मसूदा थाना पुलिस पर जन प्रतिनिधियों ने उठाए सवाल। हत्या के मामले में हो रही जांच को गलत बताया। नए सिरे से जांच कराने की हुई मांग। गांव भुवानी में कुएं में डूबने से एक युवक की हुई मौत। रेस्क्यू टीम ने निकाला कुएं से बाहर। देर शाम किया गया सर्च ऑपरेशन। समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर में हुई जन सुनवाई। 55 लोगों की समस्या के समाधान के लिए किया गया प्रयास। जन सुनवाई के लिए अटल सेवा केंद्र में बैठे सारे अधिकारी। वसुंधरा सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। किसान खेत प्रकोष्ठ ने लगाया आरोप। कलेक्टर पर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें foreignthing.com। सच के साथ। सिर्फ दावा नहीं, हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज, केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज़। सच के साथ।